तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन जी के जन्म दिवस पर टीएमयू में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर नवाब देवबंदी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आशीष अनल, डॉक्टर भुवन मोहिनी, संजय झाला, गयेंद्र प्रियांशु और कशिश वारसी ने अपने काव्य को सबके सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर श्री सुरेश जैन जी, श्री मनीष जैन जी पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहे और साथ ही एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास के साथ साथ विश्वविद्यालय के निदेशक, प्राचार्य व विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यहाँ पर भेंट हो रहा है हमारे छात्राओं के द्वारा। थैंक यू। और अब इसके बाद अमर उजाला करके सम्मानित कर अपने एक नाम छोड़ रखा, कोई वो ऐसे कोई दूर नहीं। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास, अनुरोध करता हूं कि आपको शॉल पहनाकर यहां आज आपका हम सम्मान करें और उसके तुरंत बाद ये माइक चला जाएगा आज के कार्यक्रम संचालन पर। मैं इस भावना के साथ, सर इसे तूफान भी किनारे से लगा नहीं सकता, आपकी ये कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं, इसे तूफान भी किनारे से लगा नहीं सकता, आपकी ये कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं, आपने मुल्क नहीं लोगों के दिल जीते हैं, आपने मुल्क नहीं लोगों के दिल जीते हैं, आपकी ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। सर जगन्नाथ जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लेकिन जब कोई आदमी आपका जीतता हो, वो आपके पिता जैसा हो, आपके परिवार का एक आदमी हो, तो मैं महसूस करना चाहता हूँ कि आप लोग उसका जन्मदिन मनाना कैसे चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। एक बार जोरदार बोलेंगे हैप्पी बर्थडे सम्मेलन सुनने के लिए और मुशायरा सुनने को और लग गए पुष्प गुच्छों में और पार्टी में। मैं सीधे सीधे कवि सम्मेलन और मुशायरे की तरफ बढ़ता हूँ और एक शेर के मार्फत इसे शुरू करता हूँ। वो आए हमारे घर, खुदा की मेहरबानी है, मैं कभी उनको कभी अपने घर को देखता हूँ। और झाला साहब जो राजस्थान से आए हैं और डायरेक्टर हैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, उनको सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। कि जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती, व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो, व्याकरण व आचरण में आवरण विकास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। सबसे पहले तो जैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और बड़ी खुशी का मौका है कि उनका जन्मदिन भी है और नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर शिक्षा संस्थानों में साहित्य सम्मेलन होने लगे तो इन दरो दीवार से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट तो निकलते ही हैं, शानदार बेटे भी निकलने लगे, शानदार बेटे भी निकलने लगे। देखिए पहला शेड है बच्चों आपके लिए कि तू ही बता हमें दिले बर्बाद क्या करें। दूसरी लाइन पे जिंदा रहिएगा कि तू ही बता हमें दिले बर्बाद क्या करें, उसको करें ना याद तो फिर याद करें।
कि तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। हाँ? मैं चराग था तू चराग था, मगर अपना अपना नसीब है। तुझे आंधियों ने जला दिया, मुझे आंधियों ने बुझा दिया। हाँ? कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे। जफा कहते हैं वफा के अपोजिट को, कि जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। जरा सा दम हो अगर हौसलों में, जरा सा दम हो अगर हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, कोई रोता है शायद बादलों में। कहता हूं कि अपना अपना ना कहा जाए तो बेगाना कहा जाए। अब TMU तैयार रहे दूसरी लाइन पे, कि अपना ना कहा जाए तो बेगाना कहा जाए, अपना ना कहा जाए तो बेगाना कहा जाए। दीवाना हूं दीवाने को दीवाना कहा। वहां कैसे कैसे कोई दिया जले, जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाले दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझ। वाह शुक्रिया, क्या बात है, वाह बहुत। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए। ये जो खाली कुर्सियां हैं इनकी भी जिम्मेदारी आपकी। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। वाह वाह वाह। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता, मगर तुम्हारा
हर एक गम खरीद सकता हूँ। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। कशिश भाई सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से क्या कहा प्यार से, आँख ने क्या कहा प्यार से, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे, हम तुम्हारे हुए। सच मानिए आपने इस पूरे कवि सम्मेलन को जीवित रख रखा है। ये इतनी अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे। पढ़ती हूँ, जब आप किसी के प्रेम में होते हैं तो कैसा महसूस होता है, कि किसी जुल्फ का बादल होना कितना अच्छा लगता है, किसी आँख का काजल होना कितना अच्छा लगता है, ताने सहकर अश्क छिपाकर इस संजीदा दुनिया में तेरे प्यार में पागल होना कितना अच्छा लगता है, कि नैनों ने नैनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कहिए, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले, कि मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, गई हो गई रे पहाड़िया दुनिया हो गई रे, हो गई रे पहाड़िया दुनिया हो गई रे, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, आज की मीरा मदिरा पी
हो गई रे पावरिया दुनिया हो गई रे डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल मेरे घर के कुछ संस्कार जिनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा भगवान राम गवाक्ष पे बैठे हुए थे लक्ष्मण उनके पास आते हैं उनसे पूछते हैं भैया आपको भाभी की याद आ रही है राम ने अपना सिर हिलाया और कहा हां चंद्रमा को निहार रहे थे अब लग भरत लक्ष्मण उनसे वही प्रश्न करते हैं अगर ऐसा था तो आपने भाभी को छोड़ा क्यों आपने उन्हें छोड़ा क्यों तो भगवान राम जो उत्तर देते हैं उससे पहले तो एक सवाल करते हैं कि लक्ष्मण तुम ये बताओ इस दुनिया में पवित्रता का मापदंड क्या है जिसकी कसमें खाई जाती उसने सहजता से उत्तर दिया गंगा गंगा पवित्रता का सबसे बड़ा मापदंड है फिर भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि फिर ये बताओ अगर गंगा को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़े तो वो किसकी सौगंध खाएगी लक्ष्मण निरत तो रहोगे भगवान राम बोले वो मेरी सीता की सौगंध खाकर कहेगी कि मैं सीता की तरह थोड़ी सी ऊर्जा दीजिएगा तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है और अगर काटनी है मां के पांव की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है और उस 23 साल के युवा को याद करें और आज का 23 साल का युवा चार पंक्तियां समर्पित करता हूं उसे आमंत्रित करता हूं कि कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए कभी चेहरे कभी चालों कभी गालों के लिए मर गए होंगे जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए मोदी जी ने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया और सबसे यह कहा तुम अपने आप को हनुमान समझो और मुझे ये बात उन्होंने कही नहीं पर उनका आशय बहुत ध्यान से सुनना जंग आप तक पहुंच गया तो आपको आनंद आ जाएगा स्वागत तभी एक वानर क्षमा करें एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोला प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या मोदी जी ने योगी को बुलाया मिस्टर योगी इस सांसद का क्या नाम है योगी बोले बदलना है क्या नाम क्या है बोले इसका नाम है यूसी अंबवत बोले इसे पीछे ले जाओ और इसको तुसी लंबवत कर दो ऐसा पराक्रमी व्यक्ति साहब कहीं हो सकता है मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में डेथ रेट कम हुई जैन साहब लोगों का मरना कम हुआ लोग मर नहीं रहे ये मोदी जी के प्रयास है और ये बात यमराज तक पहुंची यमराज ने अपने पीएस चित्रगुप्त को बुलाया और उससे पूछा मिस्टर गुप्ता मिस्टर गुप्ता व्हाट इज द रीजन लोग हिंदुस्तान में मर क्यों नहीं रहे बोले जी इसका मुख्य कारण है मोदी
यमराज को गुस्सा आया, ये मोदी हमारे काम में भी टांग अड़ा रहा है। ये यमराज को केजरीवाल समझता है क्या? जिंदाबाद, जिंदाबाद। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। संजीवनी ले जा रहा हूं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे। लंका से जिस चिकित्सक डॉक्टर को बुलाया गया था सुषेण वैद्य, उसे आने में विलंब हो रहा था। भगवान राम लक्ष्मण की अवस्था को देखकर विक्षिप्त अवस्था में विलाप कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। एक वरिष्ठ वानर से देखा नहीं गया, वो उठा और लक्ष्मण के पास आया। उसने लक्ष्मण के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण तत्काल अपनी मूर्छा त्याग कर खड़े हो। भगवान राम ने उस वानर को आश्चर्य से देखा और पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी सारी मूर्छा टूट गई? बोले, प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं सच बताओ, तुमने इसके कान में क्या कहा? बोले, कहा ना प्रभु, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले, नहीं सच बताओ। भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। तभी भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। सांसदों और विधायकों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा है प्रणाम उस आगबान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को, ना तो दिन रहंदे के ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। एक तुकाराम उंगले नहीं होता, वाह, तो कसाव की गर्दन का कसाव हम कम। क्या बात, वाह वाह वाह। कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत अब आमंत्रित करता हूँ आपकी तालियां। कि मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की भूली नहीं आंखें वो नजारा। अब तक शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, बाप डरा अभिनंदन की मूंछ से। सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, करगिल के वो दृश्य याद है हमें, करगिल के वो दृश्य याद है हमें, शत्रु के किए कुकृत्य याद है हमें, करगिल के वो दृश्य याद है हमें, शत्रु के किए कुकृत्य याद है हमें, शत्रु के किए कुकृत्य याद है हमें, शत्रु के किए कुकृत्य याद है हमें। कैसे जंग के नियम छाटे तुमने, कैसे क्या फर्क हमारे उनमें, कि कैसे जंग के नियम छाटे तुमने, कैसे जंग के नियम छाटे तुमने, लाशों के भी शीश तक काटे तुमने, लाशों के भी शीश तक। अब अगली पंक्ति में रख, आपकी तालियां मुझे अगली पंक्ति पे चाहिए, अगर आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दूं तो। कि सैनिकों के शीश तक काटे तुमने, लाशों के भी शीश तक काटे तुमने, लाशों के भी शीश तक काटे तुमने, ओ चरंग लहू का छुपा नहीं सका, ओ चरंग लहू का छुपा नहीं सका, दुश्मनी भी ढंग से निभा नहीं सका, दुश्मनी भी ढंग से। क्या आज मैं देश यूनिवर्सिटी जो है, जो मेरे मंडल का कोहनूर है, इसने मुझे आमंत्रित किया। जैन साहब,
कि आज अगर मैं TMU के अंदर काव्य पाठ कर रहा हूँ तो ये दिन मेरे लिए ईद और दिवाली जैसा है कि दीप खुशी के जलाओ कि खुशी का दिन है, दीप खुशी के जलाओ कि खुशी का दिन है, जश्ने सुरेश जैन मनाओ कि खुशी का दिन है, जश्ने सुरेश जैन मनाओ कि खुशी का दिन है, और अमन के देश में नफरत की नुमाइश ना करो, नफरतें दिल से मिटाओ कि खुशी का दिन है। वाह क्या बात कि अब रात है दिन है न फलक है न जमीन है। वाह अब रात है दिन है न फलक है न जमीन है, यार ये कहीं इश्क की मंजिल तो नहीं है, वाह यार अब ये कहीं इश्क की मंजिल तो नहीं है, और एक शब्द मोहब्बत है तो एक शब्द जमाना, एक शब्द मोहब्बत है तो एक शब्द जमाना, दिल और कहीं है तो दिमाग और कहीं, होंठ रखकर तेरे होंठों की रमक पी जाऊं, पैकरे शौक का हर एक वरक पी जाऊं, और मुझको विरसे में मिली सबरों कनात की शराब, मुझको विरसे में मिली सबरों कनात की शराब, मेरा शेवा ही नहीं औरों का हक पी जाऊं, मेरा शेवा ही नहीं औरों का हक पी जाऊं। व्यास जी मतला और उद्दीन शेर के मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, बहुत ही पाक हम अपना जमीर रखते हैं, बहुत ही पाक हम अपना जमीर रखते हैं, और अमीरे शहर डराओ नहीं खिलौनों से, अमीरे शहर डराओ नहीं खिलौनों से, तुम्हारे जैसे खिलौने फकीर रखते हैं, तुम्हारे जैसे खिलौने फकीर रखते हैं। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, पितु है राम अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल, बहुत सुंदर वाह वाह वाह, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की संपूर्ण जीवन की व्यवस्था आ जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, मैं प्रशंसा की नहीं मांगता। स्वागत स्वागत। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, तेरा अभिशापित। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राज कुंवर नन्हा। छोटा सा बच्चा, परिस्थितियां कोई भी हो, अपना पुत्र उठा के शस्त्र खड़ा हो जाए पिताजी के समक्ष, वो दृश्य क्या रहा होगा। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राज कुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही
प्राणों का प्यासा वाँ 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 आज मेरे प्राणों का प्यासा